हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जब भी हम फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी ऐसी वीडियोस आती हैं जो खुद से ही प्ले हो जाती हैं, हम जिसे प्ले नहीं करते बट वो ऑटो प्ले हो जाती हैं, जिससे हमारा वाईफाई और डेटा अक्सर ही वेस्ट जाता है। तो इस सवाल को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप फेसबुक के वीडियोज़ को ऑटो प्ले होने से कैसे रोक सकते हैं, जिससे आपका वाईफाई और डेटा भी सेफ रहे। तो इस तरीके को जानने के लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नए इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फेसबुक वीडियोस को ऑटो प्ले होने से रोकने के लिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और स्टेप नंबर वन है कि आपने अपने मोबाइल में फेसबुक ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। आपने यहाँ पर थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, एंड थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे नीचे स्क्रॉल कर देना है, एंड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास ये लोडिंग करेगा और कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने सबसे नीचे चले जाना है, सबसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन नज़र आता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब आपके पास यहाँ पर ऑटो प्ले का ऑप्शन नज़र आ रहा है हाईलाइट किया हुआ, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई कनेक्शन, दूसरा ऑप्शन ओनली वाईफाई कनेक्शन, यानी कि उसके बाद नेवर ऑटो प्ले वीडियोज़। पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपका मोबाइल डेटा और वाईफाई जब कनेक्ट होगा तो ही ऑटो प्ले होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऑन वाईफाई कनेक्शन ओनली, मतलब कि वाईफाई के जरिए ही ऑटो प्ले वीडियोज़ होंगी फेसबुक की। उसके बाद अगर आप नेवर ऑटो प्ले वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी और आप जब भी फेसबुक को ओपन करेंगे आपकी कोई भी फेसबुक की वीडियो ऑटो प्ले खुद से नहीं होगी, अगर आप अपने हाथों से प्ले करेंगे तो ही प्ले होगी। और ये छोटी सी वीडियो थी कि फेसबुक की वीडियोस को ऑटो प्ले होने से कैसे रोकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको फेसबुक की वीडियो को ऑटो प्ले होने से रोकने का तरीका बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार अपने वैल्यूएबल कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और इसी के साथ साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम के सोशल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।